साथ ही गलत हुआ है, मेडिकल कराएंगे तो हम जानते हो औरत दूंगा अच्छा से कम 15 बरस का सजा है। मार डेंगा किया, बलजबरी पेपर पर लिखवाया और बलजबरी हमारा शादी करवा दिया और सदिया कर के जबरदस्ती हमर बेटवा मारबो कर के लेगो खोजे लाले थानवा तब बेटवा हमर डोर से का चल के सच्चाई क्या जबरदस्ती शादी नहीं हुआ, बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगी तभी अपनी हम लोग दोनों मर्जी से शादी हुई। पूरे मामले की हम लोग तफ्तीश और जांच कर रहे हैं और जांच के क्रम में अगर पाया जाता है किसी तरह का कोई जबरदस्ती या दबाव बनाया गया है तो हम लोग उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इधर बैठिए। 3 साल का प्रेम संबंध, फिर हुई शादी, शादी के बाद लड़के ने लगाया जबरदस्ती शादी कराने का आरोप। जमुई के सोनो प्रखंड के औरैया गांव में बुधवार को शादी को लेकर दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार शादी संपन्न हुई। शादी होने के बाद लड़के ने जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाया। सोनो थाना क्षेत्र के औरैया गांव का रहने वाला निरंजन दास और झारखंड के भेलव घाटी की रहने वाली ममता, दोनों का 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों दूर के रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। दोनों सूरत के किसी फैक्ट्री में काम करते थे, वहीं से दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। बताया जाता है कि सूरत से जब लड़का अपने गांव आया तो उसकी शादी के लिए परिवार वाले लड़की ढूंढ रहे थे। इस बात की किसी तरह लड़की को खबर हुई तो लड़की अपने परिवार वालों को लेकर लड़के के घर औरैया पहुंची। फिर लड़की के परिवार वालों ने लड़के से शादी की बात की। जब लड़के के परिवार वाले न माने तो पुलिस और ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद दोनों की शादी कराई गई, जिसको लेकर दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शादी के अगले दिन लड़का जबरदस्ती शादी कराने का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे साथ जुर्म हुआ है, सूरत के अंदर में हुआ और यहाँ पे भी हुआ है, बिहार में भी। सूरत में हुआ, एक लड़के के साथ वो मतलब गलत सलत हुआ था। मैं उसको वहाँ से बचा के लेके आया, उसका गार्जियन बोला उसको लेके चलो गाँव। अब उसको बचाने के चक्कर में मैं फंस गया। हमको फंसा रहा झूठ झूठ को, वो फंसा दिया। अभी मेरे घर पे औरैया में आया, 3 दिन रहा। पुलिस थाना गया, कोई केस वेस नहीं हुआ, पुलिस को सिर्फ घूस दिया। पुलिस आया हमारे पास और हमको मार डेंगा किया, बलजबरी पेपर पर लिखवाया और बलजबरी हमारा शादी करवा दिया। लड़के की माँ का कहना है कि मेरे बेटे को फंसा कर शादी की गई। दबाव दे के और पुलिस वाला के डिलीवर ले, मैं यहाँ के बोला के और सदिया कर के जबरदस्ती हमारे बेटवा मारबो कर के लेगो खोजे लाल थानवा तब बेटवा हमारे डोर से का चल के लड़की से खाली इजार ले के और हमने से कोई इजार नहीं लेके हमरो भी डांटल के पुलिस वाला। और जब तक सदिया नहीं बोले तब तक पुलिस वाला गेले नहीं आ रहा पुलिस वाला। वही लड़की का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों की शादी आपसी सहमति से हुई है, जबरदस्ती करने जैसी कोई बात नहीं है। जबरदस्ती शादी नहीं हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा ममता कुमार। और वो क्या बोला कि मैं इससे शादी करूंगी, मैं इसको रखा हूँ। वो अपने जीजाजी के साथ में बोला है, उसका जीजाजी भी खुद बोल देंगे उसका पास। वो खुद वो लड़का बोला कि ये लड़की साथ में गलत काम किया हूँ, ये लड़की को रखा हूँ मैं। बस अब 10 के सामने में वो बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगी तभी अपनी हम लोग दोनों मर्जी से शादी हुआ, नहीं तो नहीं होगा मर्जी। वीडियो के माध्यम से पता चला है, लड़का जो है एक वीडियो कोई मीडिया के माध्यम से भेजा है जिसमें उसका कहना है कि उसे जबरदस्ती किया गया है। लेकिन एक अन्य वीडियो भी जो हम लोग के संज्ञान में आया है, उसमें जो शादी का वीडियो है उसमें दिख रहा है कि लड़का पे किसी तरह का दबाव नहीं है और अपनी इच्छा से ही जो है शादी कर रहा है। तो इस पूरे मामले की हम लोग तफ्तीश और जाँच कर रहे हैं और जाँच के क्रम में अगर पाया जाता है किसी तरह का कोई जबरदस्ती या दबाव बनाया गया है तो हम लोग उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।